पीसीआर, पीसीआर एक ऐसा मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कह सकते हैं कि मैकेनिक्स और इन कंप्यूटर दोनों का एक मिला जुला, ठीक है, एक मशीन है जिसमें आप अपने डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल भी है तो कुछ घंटों में ही उस एक सिंगल मॉलिक्यूल से आप बिलियन ऑफ कॉपीज, है ना, बिलियन ऑफ कॉपीज बना सकते हैं डीएनए का कुछ घंटों में से, है ना। तो इस पावरफुल मशीन को इन्वेंट करने वाले थे कैरीमुलिस, यानी पीसीआर वॉज इन्वेंटेड बाई कैरीमुलिस। और जो पीसीआर का वर्किंग मैकेनिज्म है, काम क्या कर रहा है, डीएनए को एम्पलीफाई करना, काम क्या कर रहा है, डीएनए को एम्पलीफाई करना। तो एम्पलीफाई करने का मतलब डीएनए के नंबर को बढ़ाना, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, बत्तीस, है ना। मतलब हर टाइम इंटरवल में डीएनए अपने इनिशियल अमाउंट का डबल होता जाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पे ग्रोथ रेट आपको निकल के आएगी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट आएगी, क्योंकि हर टाइम इंटरवल में डीएनए अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो जो डीएनए का ग्रोथ रेट है वो आपका कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो क्योंकि डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल से दो, दो से तीन, तो इसलिए जो बेसिक प्रिंसिपल है इस मशीन का, जिसके आधार पे इसके सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है, है ना, जिस बेसिस पे ये काम करता है, वो हमारा प्रिंसिपल है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। यानी बॉडी में, नेचुरल सिस्टम में जो डीएनए आपका रेप्लिकेट होता है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। तो एग्जैक्ट उसी प्रिंसिपल पे हमने इस मशीन, सॉरी, उसी प्रिंसिपल पे इस मशीन को डिजाइन किया गया है। तो सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, दोनों अलग हुए और एक एक स्ट्रैंड अब टेम्पलेट का काम कर रहा है, फिर उस पर प्राइमर जुड़ेगा, डीएनए सिंथेसिस होगी, तो दो डीएनए हो जाएंगे। फिर वो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग होंगे, उन पे प्राइमर लगेगा, फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हर टाइम इंटरवल में यहाँ पे आपको डबल होता हुआ डीएनए दिखेगा, क्लियर। तो पीसीआर मशीन अलग अलग डिजाइन की आती है, जिसमें एक कॉमन डिजाइन मैंने यहाँ बना रखा है, है ना। इसमें ऊपर एक चैम्बर है, इस चैम्बर में छोटे 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 वेल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं वेल्स में हम पीसीआर ट्यूब को रखते हैं। पीसीआर ट्यूब यानी वो छोटा सा ट्यूब जिसमें रिएक्शन होना है, और रिएक्शन के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारा कुछ इस ट्यूब में हम भर करके इस मशीन में रखते हैं। रखने के बाद इसके लिड को बंद करते हैं, ऊपर एक लिड होता है, उस लिड को बंद करते हैं। और बंद करने के बाद यहाँ पे कीज लगी हुई है, न्यूमेरिक कीज हैं, है ना, और आपके अल्फाबेटिकल कीज होंगी। तो उसकी मदद से हम अपना यहाँ पे डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले में हम पीसीआर का प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग क्या करना है, सेटिंग इसमें सिर्फ टेम्परेचर और टाइम का करना होता है, बाकी सारी चीजें ये मशीन खुद करती है, क्योंकि एक ऑटोमेटिक मशीन है। सिर्फ आपको टेम्परेचर सेट करना है और उस टेम्परेचर को कितना देर रखना है वो टाइमिंग सेट करनी है, ये दो चीजें बस आपको सेट करनी है, ठीक है। तो जब ये दो चीजें आपके सेट हो जाएंगे, उस वक्त मशीन को आप रन कर दीजिए, प्रोग्राम को रन करेंगे तो मशीन अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो यहाँ मेन फैक्टर हमारा टेम्परेचर का है, मशीन में जो मेन फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर का है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो उन स्ट्रैंड्स पर प्राइमर, डीएनए प्राइमर जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और फिर टेम्परेचर सेट करेंगे तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है वो क्या करेगा, उस पर नया सिंथेसिस करना शुरू कर देगा। तो इसलिए सारा खेल यहाँ पे टेम्परेचर का ही है। तो टेम्परेचर को सेट करना है तो उसके लिए इस मशीन का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है थर्मोसाइक्लर, ठीक है, इसीलिए कुछ लोग इसको थर्मोसाइक्लर ही बोल देते हैं, क्लियर। तो थर्मोसाइक्लर एक मशीन इसके अंदर लगी हुई है जो इस प्रोग्रामिंग के हिसाब से उतने टाइम इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को शिफ्ट करती रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपने पीसीआर लगा दिया और लगाने के बाद आप भूल गए या काम में बिजी हो गए, टाइम ओवर हो गया, तो आपका सैंपल खराब नहीं होता, क्योंकि ये मशीन जैसे रिएक्शन का टाइम ओवर हो जाएगा तो रिएक्शन के टाइम ओवर होने के बाद ये अपने टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर लेती है, क्लियर। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर लेगा तो आपका रिएक्शन मिक्सचर उसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, कोई डैमेज नहीं होगा, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि पीसीआर को ऑपरेट करने के लिए जो रिएक्शन मिक्सचर हम इसमें लगा रहे हैं उस रिएक्शन मिक्सचर का कंटेंट क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो सबसे पहले आपको वो डीएनए चाहिए जिसको आपको रेप्लिकेट करना है, यानी आप उसको नाम क्या देंगे, टेम्पलेट डीएनए,
टेम्पलेट डीएनए यानी वो डीएनए जो रेप्लिकेशन करेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा, अब उस टेम्पलेट डीएनए पर सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है, तो दूसरा हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, डीएनए प्राइमर। तो डीएनए प्राइमर यहाँ पे दो तरीके का होगा, एक आपका फॉरवर्ड प्राइमर और एक आपका रिवर्स प्राइमर। तो फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर दो तरह के प्राइमर आपको यहाँ पे लगाने होंगे। क्यों लगाने होंगे, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे डायग्राम बना करके। प्लस डीएनए बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए की सिंथेसिस करनी है तो डीएनए बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए, है ना। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डीएनटीपीज़, यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसमें आपके चारों कंपोनेंट का मिक्सर होता है, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी। तो ये सब मिक्स होगा, प्लस एटीपी एनर्जी चाहिए, तो एटीपी मिक्स करेंगे। और पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो पीसीआर में रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे होता है। अपनी बॉडी को अगर हम लोग देखें तो अपनी बॉडी में जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मशीन में जो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो रेप्लिकेशन आपका होता है 70 से लेकर के 72 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक मैक्सिमम टेम्परेचर मान लें तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होगा। तो इस हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन के होने के लिए आपको एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सके, इसीलिए उस एंजाइम को नाम हम लोग क्या देते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, या सिंपली आप उसको थर्मोस्टेबल एंजाइम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम। तो थर्मोस्टेबल एंजाइम हमारा है जिसका मेन एग्जांपल हमारा टैग पॉलीमरेज है, क्लियर। तो अभी हम लोग टैग पॉलीमरेज को भी डिटेल में देखेंगे। और अगला रिक्वायरमेंट इस एंजाइम को काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए मेटल आयन, एंड दैट मेटल आयन इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन यहाँ बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि सही अमाउंट में मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, साथ में आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाएंगे, जाहिर सी बात है मिक्सचर ड्राई नहीं होगा, ये सारी चीजें ड्राई फॉर्म में है, तो थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर भी एक आध दो माइक्रोलीटर आप इसमें ऐड करके सारी चीजें इसमें ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद आप मशीन में रख करके अपना प्रोग्राम सेट करके ऑन कर दीजिए, और नंबर ऑफ साइकिल फिक्स कर दीजिए मशीन में। आपका वो भी ऑप्शन होता है कि आप कितने नंबर ऑफ साइकिल चाहते हैं, यानी हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रेप्लिकेट योर डीएनए सैंपल। तो नंबर ऑफ राउंड्स, रेप्लिकेशन के राउंड्स भी आप फिक्स कर सकते हैं, 20 साइकिल, 30 साइकिल, 40 साइकिल, 50 साइकिल, जितना ज्यादा साइकिल रखेंगे उतना ज्यादा डीएनए एम्प्लीफाई होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। प्लस चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कई वेल्स बने हुए हैं, है ना, लगभग अगर काउंट करें तो एक स्टैंडर्ड मशीन में टोटल 96 वेल्स होते हैं, यानी आप एक बार में 96 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। अलग अलग ट्यूब ले लीजिए और अलग अलग ट्यूब में सारा रिएक्शन भर करके अलग अलग लगा के सेट कर दीजिए, है ना, क्योंकि टेम्परेचर तो सब चीजें रहेंगी, लेकिन जनरली ऐसा लोग अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग डीएनए का जो सिक्वेंस होता है उसकी वजह से, है ना, अलग अलग जो डीएनए का सिक्वेंस है यानी डिफरेंट डिफरेंट जो जीन्स होते हैं उनके सीक्वेंस के डिफरेंस की वजह से आपका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है यानी डीएनए के सेपरेट होने का टेम्परेचर है वो वेरी करता है ना, वेरी करता है। कोई 90 डिग्री पे होगा, कोई 91 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, कोई 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, है ना। तो डिपेंड करता है उसमें जीसी कंटेंट कितना है, जीसी कंटेंट यानी जी और सी, गुआनोसिन और साइटोसिन दोनों के बीच जो पेयरिंग होती है आपने पढ़ा होगा, उनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेयरिंग है। तो अगर जीसी का परसेंटेज डीएनए में ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिल सकता है। लेकिन जनरली आप एक से ज्यादा सैंपल भी रन कर सकते हैं अगर टेम्परेचर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए तो, क्लियर। तो इस तरीके से आप उसको रन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि पीसीआर मशीन का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं और हमारा ये टैग पॉलीमरेज कैसे काम करता है, ठीक है, और कहां से इसको आइसोलेट करते हैं वो सारी चीजें डिटेल में देखते हैं, क्लियर। जो पीसीआर मशीन में होने वाला रिएक्शन है, तो एक सिंगल रिएक्शन की अगर बात करें एक सिंगल स्टेप का, तो वन राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज वन पीसीआर साइकिल, है ना, या आप उसको वन पीसीआर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो एक पीसीआर साइकिल में जैसा कि मैंने बताया था 3 बेसिक स्टेप्स आपके होते हैं। 3 बेसिक स्टेप क्या क्या है, पहला स्टेप है आपका डीनेचुरेशन, यानी
डीनेचुरेशन में क्या होगा, हमारा जो टेम्पलेट डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। और इसके लिए हम लोग टेम्परेचर लगते हैं 90 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, वो डिपेंड करता है कि कैसा डीएनए का मॉलिक्यूल है उसके हिसाब से टेम्परेचर इस रेंज में होगा। और टाइमिंग रखेंगे मैक्सिमम 1 मिनट, है ना, तो 1 मिनट की टाइमिंग पे सेट कर दिया मशीन पे, मैंने बोला था ना मशीन में टेम्परेचर और टाइम दो चीजें सेट करते हैं, तो डीनेचुरेशन स्टेप पे टेम्परेचर और टाइम सेट कर दिया। फिर दूसरा स्टेप हमारा एनलिंग स्टेप, एनलिंग मतलब होता है अटैचमेंट, जुड़ना, है ना, तो इस स्टेप का टेम्परेचर रेंज ये रखेंगे और टाइम 1 मिनट यहाँ पे भी रखेंगे, है ना। तो एनलिंग स्टेप में क्या होगा कि जो दो डीएनए स्ट्रैंड हमारे सेपरेट हुए हैं, सेपरेट होने के बाद उन पे हमारा प्राइमर बाइंड करेगा। तो देखो मैंने रिएक्शन मिक्सचर में लिखा था कि प्राइमर दो तरह के होते हैं, यहाँ पे एक फॉरवर्ड प्राइमर होगा और एक रिवर्स प्राइमर होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों स्ट्रैंड पूरा पूरा सेपरेट हो जा रहा है, जबकि नेचुरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। नेचुरल सिस्टम में सिर्फ ओरिजिन पॉइंट पे ही डीएनए सेपरेट आउट होता है, यहाँ पूरा डीएनए ही सेपरेट हो जा रहा है। तो इसलिए एक सिरा इसका एक सिरा इसका, दोनों तरफ से हमें डीएनए रेप्लिकेशन करना है। और चूंकि डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन फिक्स होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में होगा, तो इसीलिए एक यहाँ पे लगाएंगे हम फॉरवर्ड प्राइमर जो 5' से 3' हमारा सिंथेसिस स्टार्ट करवाएगा, और दूसरे स्टैंड पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे 5' से 3' जो कि हमारा सिंथेसिस स्टार्ट कराएगा। इसीलिए एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर। प्राइमर की जो क्वालिटी होती है, प्राइमर में कोशिश किया जाता है कि जो जीसी कंटेंट है वो 50% से ज़्यादा ना हो। प्राइमर हम लोग खुद डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हमें डीएनए का सीक्वेंस पता है, तो सीक्वेंस के हिसाब से उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम लोग बना करके सिंथेसाइज कर लेते हैं प्राइमर, है ना। तो इसलिए पहला चीज़ यही। दूसरा, इसका मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो लगभग 15 से 17 न्यूक्लियोटाइड इसकी मैक्सिमम लेंथ हम लोग लेते हैं, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो प्राइमर हमारा अटैच हो गया एनलिंग स्टेप में, और उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है सिंथेसिस करना, यानी जो प्राइमर हमने लगाया उसको एक्सटेंड कर रहा है न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके ऐड करके, है ना। तो एक्सटेंशन स्टेप हमारा क्या हो गया, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस स्टेप है, उस पर हमारा टेम्परेचर 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दिए। टाइमिंग थोड़ी यहाँ ज्यादा रखेंगे, 2 से 3 मिनट, है ना, 2 to 3 मिनट, क्योंकि सिंथेसिस करना तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर टाइमिंग बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मशीन में ये सारा कुछ हम लोग सेट करके रन कर देंगे तो हमारा रिएक्शन इसी हिसाब से चलेगा, यानी पहले डीएनए मेल्ट होगा तो डीनेचुरेशन हो गया, उसके बाद प्राइमर अटैच होंगे, एनलिंग स्टेप हो गया, फिर उसके बाद हमारा टैग पॉलीमरेज यानी डीएनए पॉलीमरेज जो है एक्सटेंशन स्टेप में उस पे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ सिंथेसिस करेगा। तो इस तरीके से हमारे दो डीएनए मॉलिक्यूल लास्ट में बन करके तैयार हो जाएंगे, है ना। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन गए। अब यही प्रोसेस फिर रिपीट होगा, तो देखो अगले राउंड में क्या होगा, ये भी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, ये भी सेपरेट होंगे, तो 4 टेम्पलेट स्ट्रैंड जनरेट होगी, फिर 4 पे प्राइमर बाइंड होगा, फिर वो सिंथेसाइज होंगे, तो 4 से 8 हो जाएगा, सॉरी 2 से 4 हो जाएगा, है ना। फिर अगले राउंड में 4 से 8, तो हर टाइम इंटरवल में जो डीएनए का नंबर है या अमाउंट है वो डबल होता जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जो यहाँ पे ग्रोथ है, अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आएगा, है ना। ये हमारा एक पीसीआर साइकिल इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, तो इसी तरीके से नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल आप फिक्स करेंगे, तो आफ्टर एटलीस्ट आफ्टर 30 साइकिल्स, है ना, आफ्टर 30 साइकिल्स जो अमाउंट होगा डीएनए का वो लगभग 1 बिलियन, ना 1 बिलियन डीएनए बन करके आपका तैयार हो जाएगा, ठीक। 30 साइकिल में कितना समय लगेगा, तो देखो एक साइकिल का टाइम आप जोड़ लो, एक साइकिल में कितना लग रहा है, 1 मिनट + 1 मिनट 2 मिनट्स एंड मैक्सिमम 3 यानी 5 मिनट्स, तो एक साइकिल 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो उतने राउंड्स आपके जाएंगे, क्लियर। और इसको कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n, n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल जो है आप इस पर रख सकते हैं, जैसे 30 साइकिल बाद कुल कितना डीएनए बनेगा, तो आप इस पर रख दीजिए, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए उतने नंबर ऑफ डीएनए आपके बनेंगे, है ना। 15 साइकिल बाद पूछेगा तो एन की वैल्यू 15 रख दीजिए, उससे आपका निकल जाएगा कि कुल कितने डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपको फाइनली मिलेंगे, क्लियर। पीसीआर में जो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, वो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज आपके डिस्कवर किए गए हैं जो भी हम यूज करते हैं, तो चूंकि हाई टेम्परेचर पे काम कराना है, है ना, तो हाई टेम्परेचर पे काम कराने के लिए जितने भी डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर में आज की डेट में यूज होते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम,
स्टेबल एंजाइम बोलते हैं, क्लियर। अभी जो थर्मोस्टेबल एंजाइम है इनमें जो सबसे पहला था वो हमारा टैग पॉलीमरेज है। तो टैग नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से निकाला गया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। और सिर्फ इसी की बात नहीं है, जितने भी आपके डीएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप्स के यूज होते हैं पीसीआर में, सबके सब थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ही आइसोलेट होते हैं, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज हमारा निकाला गया है थर्मस एक्वाटिकस से। तो देखो थर्मस का टी और एक्वाटिकस का ए क्यू, इन दोनों को लेकर के इसका नाम बना दिया गया टैग पॉलीमरेज। लेकिन टैग पॉलीमरेज में कुछ स्पेशल बातें हैं, स्पेशल भी कह सकते हैं या डिफेक्ट भी कह सकते हैं, है ना। जैसे सबसे पहला, इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यानी जैसे डीएनए को सिंथेसिस तो करेगा, 5 प्राइम को 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा, लेकिन अगर गलती से कोई गलत बेस ऐड हो गया बिना कॉम्प्लीमेंट्री रूल के, है ना, गलत बेस ऐड हो गया तो ये उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए अगर कोई गलती से गलत बेस ऐड हो गया तो ये इसको रिमूव करके फिर सही बेस नहीं लगा पाएगा, है ना। तो इसलिए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज में नहीं होती है, तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आप टैग पॉलीमरेज से किसी डीएनए को एम्प्लीफाई कर रहे हैं तो उसकी एक और आदत होती है कि आफ्टर सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट डीएनए, जो नया स्ट्रैंड ये पूरी तरह बनाएगा, उस नए स्ट्रैंड पे 3 प्राइम एंड पे एक एक्स्ट्रा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो जब भी जितनी बार ये डीएनए को सिंथेसिस करेगा एक एक्स्ट्रा ए जरूर ऐड करता है, तो इसका यूज भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। अगर पीसीआर प्रोडक्ट को बैक्टीरिया में क्लोन करना हो, जीन क्लोनिंग करनी हो, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर को कट करके अपना डीएनए ऐड करते हैं, तो यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर आता है टीए वेक्टर, है ना, टीए वेक्टर आता है, तो टीए वेक्टर में ऑलरेडी उसमें एक्स्ट्रा टी होता है, तो एक्स्ट्रा टी और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आराम से जुड़ेंगे और पीसीआर प्रोडक्ट को हम लोग जीन क्लोनिंग में इन्वॉल्व करके उसको अपना यूज कर सकते हैं। बात सुनना यार, तो एक ये फायदा है, इसकी गलती का हम फायदा उठा लेते हैं, क्लियर। तो अगर आपको बहुत एक्यूरेट डीएनए चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि गलतियां ना हो, यानी कोई मिस्टेक्स ना हो, तो आप दूसरा एंजाइम आपके पास है जिसको हम लोग बोलते हैं PFU, ये ऑप्टेन होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया पायरोकोकस फ्यूरियोसस से। तो पायरोकोकस फ्यूरियोसस से निकलने वाले इस एंजाइम में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, इसीलिए ये डीएनए को ज्यादा सही तरीके से रेप्लिकेट करेगा और ज्यादा भरोसेमंद है। इसीलिए पफू एंजाइम को हम बोलते हैं हाई फिडेलिटी एंजाइम। फिडेलिटी मतलब होता है भरोसेमंद, है ना, तो हाई फिडेलिटी एंजाइम है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो नीट का सिलेबस है, नीट के सिलेबस में आपका सिर्फ नॉर्मल पीसीआर के बारे में दिया है, तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। आज की डेट में पीसीआर के कई वर्जन आपके पास है, जैसे लॉन्ग टर्म पीसीआर, स्प्लिट पीसीआर, आरटीपीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर, है ना। तो डिफरेंट तरह के पीसीआर हैं, क्योंकि शुरू में पीसीआर को इसीलिए बनाया गया था कि हम डीएनए को एम्प्लीफाई करें, लेकिन जब धीरे धीरे उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो पता चला हम पीसीआर का यूज तो बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, यानी पीसीआर एक डाइवर्सिफाइड मशीन है जिससे हम कई काम कर सकते हैं। जीनोटाइप देख सकते हैं कि किसी डीएनए सेगमेंट के कितने अलग अलग पॉलीमेरिक फॉर्म बन रहे हैं, उस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म या जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। डीएनए में अपने हिसाब से हम म्यूटेशन भी करा सकते हैं, यानी उसको बोलते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, SDM, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। जैसे एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, जब डीएनए को एम्प्लीफाई करना था तो पीसीआर को एम्प्लीफाई करना था तो प्राइमर खुद जोड़ते हैं ना डिजाइन करके, तो अगर मान लो हमें कोई गलत बेस एंटर कराना है या किसी पॉइंट पे म्यूटेशन कराना है, तो हम बेस खुद चेंज कर देंगे कि कोई दूसरा बेस लगा देंगे ताकि अगली राउंड में उसमें गलत न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो इस तरीके से अपने मन चाहे जगह पे हम म्यूटेशन भी करा सकते हैं डीएनए में, है ना। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस हो सकता है, क्लियर। इसके अलावा पीसीआर से डायग्नोसिस बीमारियों का कर सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं है, है ना, कौन सा जीन म्यूटेटेड है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। मॉलिकुलर डायग्नोसिस बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम पीसीआर का यूज करते हैं और दूसरे टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। दूसरा, अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन घूम रहा है और अभी हम बीमार नहीं पड़े हैं, तो हम ब्लड सैंपल ले करके उस पैथोजन का स्पेसिफिक जीन का प्राइमर डाल करके पीसीआर चलाएंगे, और अगर वो पैथोजन मौजूद होगा तो उसका डीएनए होगा, और डीएनए होगा तो वो प्राइमर बाइंड करके उसको एम्प्लीफाई कर देगा। इससे ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है और हम कभी भी बीमार
हो सकते हैं तो उसका हम पहले इलाज कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से डायग्नोसिस में भी काम आता है। और आज के डेट में HIV का जो डायग्नोसिस है वो PCR की मदद से ही होता है, इसी तरीके से होता है, ठीक है। प्लस RT-PCR की बात कर रहे थे, रियल टाइम PCR। रियल टाइम PCR यानी आपके पास अगर 30,000 जीन है आपके शरीर में, है ना, तो 30,000 जीन एक टाइम पे एक्टिव नहीं होंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने जीन एक्टिव हैं इसका पता लगाना हो तो हम रियल टाइम PCR यूज कर लेंगे। क्योंकि रियल टाइम PCR सिर्फ उन्हीं जीन को एम्पलीफाई करता है जो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR में क्या होता है कि आप RNA से DNA बना सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा सकते हैं इसी प्रिंसिपल पे, है ना। आपके पास RNA सैंपल मौजूद है, उस RNA सैंपल में आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज कर लीजिए और प्राइमर डाल दीजिए, आपका RNA से DNA बनेगा। और जब RNA से DNA बनाते हैं तो ऐसे DNA को हम लोग बोलते हैं cDNA, यानी कॉम्प्लीमेंट्री DNA। तो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाने के लिए हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, बात सुनाया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, क्लियर। प्लस किसी DNA का एक छोटा सेगमेंट भी आप एम्प्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतना लंबा DNA है लेकिन हम चाहते हैं कि बस इतना ही हिस्सा एम्प्लीफाई हो, तो हम यहाँ के जो सीक्वेंस होंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर जोड़ेंगे, है ना। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर जोड़ेंगे तो उतना ही सीक्वेंस हमारा मल्टीप्लाई होगा, है ना, और मल्टीप्लाई होकर के हमारा एम्प्लीफाई होगा, क्लियर। तो PCR के बहुत सारे यूज हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक।